हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड क्वीन। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ रिंग सेरेमनी गेस्ट मेकअप लुक। यानी अगर आप किसी की रिंग सेरेमनी में जाएं तो आप एज अ गेस्ट किस तरीके से तैयार हो कि आप सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिखे, और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मेकअप करें ताकि आप सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और आपका मेकअप बहुत ही ज्यादा शाइनी नजर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने फेस पर DIY टोनर अप्लाई करूँगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई भी मॉइस्चराइजर अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छे से अपने फेस पर मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर हुडा का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी प्राइमर अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं। वैसे हुडा का प्राइमर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छे से हमारे पोर्स को एकदम क्लोज कर देता है, बहुत ही अच्छा है ये। सो गाइज, अब मैं ये प्राइमर अपनी गर्दन पर भी अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइज, मैंने यहाँ पर प्राइमर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि मैं यहाँ पर अपने फेस पर फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ पर लैक्मे का फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। आपको फिंगर टिप की हेल्प से इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। और मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, उसको पानी में डालकर अच्छे से निचोड़ लूँगी और उसके बाद मैं अपना फाउंडेशन इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। गाइज, ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ये एकदम पैची नहीं लगता और काफ़ी अच्छे स्मूथली हमारे फेस पर अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर मैं अपने गर्दन का भी फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पर फाउंडेशन ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, मैं यहाँ पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। आपके फेस पर जहाँ पर भी डार्क एरिया है वहाँ पर इसे अप्लाई कीजिए। नोज पर, चीक्स पर, आईज के अराउंड, माउथ के अराउंड, जहाँ पर भी आपको डार्क एरिया लगता है, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो गाइज, मैंने यहाँ पर कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर लैक्मे का 9 to 5 फेस पाउडर अप्लाई करूंगी। इस पाउडर का हमें ब्रश में लेकर इसका एक्सेस हमें रिमूव कर देना है और फिर उसके बाद अपने फेस पर अप्लाई करना है। सो गाइज, मैंने यहाँ पर फेस पाउडर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं फेस पाउडर अपनी गर्दन पर भी अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइज, अब आती है आई शेडो की बारी। मैं अपने आईज पर पिंक कलर का आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। आपको अपनी क्रीज लाइन से लेके पूरी आईज पर अच्छे से अप्लाई करना है और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छे से अपना आई शेडो अपनी आईज पर ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद मैं अपने आउटर कॉर्नर पर आईज के गोल्डन कलर अप्लाई कर रही हूँ। सिर्फ आपको अपने आउटर कॉर्नर पर करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर ग्लिटर वाला आई शेडो ले रही हूँ। यहाँ पर मैं गोल्डन ग्लिटर ले रही हूँ, जिसको हमें टैप करके अपनी आईज पर लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको टैप करना है। उसके बाद बारी आती है गाइस लाइनर की। तो मैं यहाँ पर लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आप वाटर लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, मैंने यहाँ पर लाइनर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद बारी आती है काजल की। तो गाइज, नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर अपने आईज पर काजल अप्लाई करूंगी। ये देखिए, इस तरीके से। सो गाइज, मैंने काजल अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ अपने आईब्रोज फिल करने के लिए। सो गाइज, मैंने यहाँ पर आईब्रो फिल कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, मैं अपनी आईब्रोज हाईलाइट कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से। और अपने आईज के इनर कॉर्नर पर भी हाईलाइट कर रही हूँ। सो गाइज, उसके बाद आ रही आती है कॉन्टोर की। तो मैं अपने
चीक्स की शेप दिखाने के लिए अच्छे से यहाँ पर कॉन्टोर लगा रही हूँ और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि हमारे जो चीक्स की वो शेप है वो अच्छे से दिखे। ये देखिए इस तरीके से। सो गाइस मैंने यहाँ पर कॉन्टोर कर लिया है, उसके बाद बारी आती है ब्लशर की, तो मैं अपने चीक्स पर ब्लशर कर रही हूँ। आपको ब्लशर लगाने के बाद इसे ऐसे नहीं छोड़ना है, इसे अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि ये ओवर हमारे फेस पर ना दिखे। तो गाइस अब बारी आती है हाईलाइट की, तो मैं यहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपने फोरहेड पर भी, नोज पर भी, चीक्स पर भी, जहां पर भी आपको अपना फेस हाईलाइट करना है आप वहां पर इसे अप्लाई कीजिए। उसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की। लिपस्टिक लगाने से पहले आप अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, आप लिप बाम भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। अगर इस लिपस्टिक लगाने से पहले आप अच्छे से पहले अपने लिप्स की आउटलाइनिंग कर लीजिए, इससे आपकी लिपस्टिक फैलेगी नहीं। ये देखिए गाइस मैंने लिपस्टिक लगा ली है, अब मैं यहाँ पर अपनी आईज पर मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइस मैंने मस्कारा भी अप्लाई कर लिया है, अब लास्ट में यहाँ पर अपने फेस पर सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ। तो गाइस ये है हमारा फाइनल लुक, रिंग सेरेमनी गेस्ट मेकअप लुक। आप इस लुक को जरूर ट्राई कीजिए और इस मेकअप को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिखेंगे पार्टी में, तो आप इस लुक को जरूर ट्राई कीजिए। तो गाइस आप अगर ये मेकअप लुक ट्राई करेंगे तो आप सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिखेंगे पार्टी में, सब आपकी तारीफ करे बिना रह नहीं पाएंगे। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय।